हेलो क्लास 8, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और एक्सरसाइज 2.2 मैंने सेलेक्ट किया है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमको उसमें प्रॉब्लम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 1 हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्या भाई, क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ बुक से। द पेरीमीटर ऑफ अ तुमको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, मुझे बुक में देखना पड़ता है। ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर 154 मीटर है। तो मैं काम करता हूँ कि मैंने क्या कहा था, जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो तुमको फिगर बना लेना है। तो मैं क्या करूँगा, फिगर बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बना लिया तुम्हारे लिए, ठीक है। अब तुम इसमें जाके नहा सकते हो, ठीक है, ये पूल है, तुम इसमें नहा सकते हो। देखो ये रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, यहाँ पे पानी है, इसमें लोग नहाते हैं, ऑलराइट। तो इसका जो पेरीमीटर है ना, ठीक है, वो कितना है, इसका पेरीमीटर पी फॉर पेरीमीटर 154 मीटर दिया हुआ है, सही है, ये भी सही है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ द लेंथ इज, अब देखो पेरीमीटर, अब रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है तो रेक्टेंगल में लेंथ ब्रिथ दोनों होता है। लेंथ इज टू मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रिथ, मतलब लेंथ ब्रिथ के 2 गुने से 2 ज़्यादा है। जितना काम कह रहा है उतना ही काम करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ पे तुमको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक बात समझना, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रीथ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ जो है ना वो ब्रीथ के 2 गुने से 2 ज़्यादा, 2 गुने से किसका, ब्रीथ का 2 गुना। तो ब्रीथ का 2 गुना से 2 ज़्यादा, तो 2 ऐड करना पड़ेगा। ये लो, ये काम खत्म हो गया। अब तो हमारा काम यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन का काम हमने खत्म कर दिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सॉल्यूशन में कुछ लिखना पड़ेगा, वर्ड प्रॉब्लम में लिखना पड़ता है। मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे लेंथ नहीं मानेंगे हम लोग, ब्रीथ मान लेते हैं, क्योंकि लेंथ में ब्रीथ आ रहा है तो ब्रीथ मानना पड़ेगा। लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बी, ठीक है। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का ब्रीथ हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। 1 मिनट। और अब क्या करते हैं कि लेंथ, सो तो लेंथ कितना हो जाएगा, अगर हमने ब्रीथ को बी मान लिया तो लेंथ कितना हो जाएगा। लेंथ अभी हमने क्वेश्चन देखा है, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से कि लेंथ क्या हो जाएगा, 2 गुना b, तो 2b कर देते हैं एंड प्लस 2 कर देते हैं, ये हमारा लेंथ हो जाएगा। ये हमने निकाला खुद से क्वेश्चन के हिसाब से, ऑलराइट। अब तुमको क्या करना है कि इक्वेशन हम तब बनाते हैं जब क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ हो और वही सब कुछ हम भी निकाल सकें। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पी फॉर पैरामीटर दिया हुआ है, और मैंने सोचा कि पैरामीटर तो मैं भी निकाल सकता हूँ, कैसे, लेंथ और ब्रीथ दिया हुआ है तो 2 into l + b। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है पेरीमीटर कितना, 154 मीटर। लेकिन मैं कहूँगा कि भाई पेरीमीटर तो मैं भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, और मैं निकालूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। तो कहा निकालो, मैं क्या करूँगा, पेरीमीटर क्या होता है, 2 into l + b इक्वल टू 154 मीटर, ये भी सही है। अब 2 L ने कहा कि भाई मेरा पहले तो पुट कर दे यहाँ से, मैं लेंथ हूँ 2b + 2, ये L था, और ब्रीथ तो खुद ही B है, B फॉर ब्रीथ हमने लिखा था 154 मीटर। अब यहाँ से मामला गंभीर हो रहा है, ठीक है, मतलब इक्वेशन बन चुका है, अब सॉल्व कर देना है। 2 into 2b + b कितना हो जाएगा, 3b + 2 इक्वल टू 154 मीटर, और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 = 6b + 2 = 4 इक्वल टू 154 मीटर। अब मैं क्या कहूँगा कि एक काम कर लो भाई, 6b को रखते हैं और 4 को भेज देते हैं उस तरफ, तो ये 4 माइनस में आ जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, 150 मीटर, सही है। तो यहां से 6b इक्वल टू 150 मीटर बचा, सो b इक्वल टू 150 बाई 6
मीटर मतलब 25 मीटर, तो बी कितना निकल गया 25 मीटर, और मेरे को निकालना क्या है, लेंथ निकालना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेंथ है 2b+2, 2b 25 आया है और ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 52 मीटर। ये तो हमारा सॉल्यूशन था, बस बस इतनी छोटी सी बात थी। और आगे और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को कितनी आसानी से मैं बताने जा रहा हूँ तो ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो आगे सारे क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।